हबीबनगर के इलाके में रहने वाली अर्शिया बेगम नामी खातून, जिनके शौहर का इंतकाल होकर 6 साल गुजर चुके हैं, 6 साल से अर्शिया अपने बच्चों को अकेले ही पालते आ रहे हैं। 6 साल बाद अर्शिया बेगम ने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और मासूम बच्चों को बाप का प्यार देने की गर्ज से अब्दुल हमीद नामी शख्स से दूसरी शादी कर ली थी। अब्दुल हमीद जो कि गढ़चिबौली बस स्टैंड में मैकेनिक का तौर पर काम किया करते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है। अब्दुल हमीद से शादी के महज 3 महीने बाद ही अब्दुल हमीद ने अर्शिया को हरासा करना शुरू कर दिया और अब ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पहली बीवी को सुधारने के लिए और उसे एहसास दिलाने के लिए महज अर्शिया से शादी की थी और अब्दुल हमीद ने अचानक अर्शिया को तलाक की नोटिस भी रवाना कर दी है। अर्शिया बेगम ने इस बात की शिकायत बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवाई, लेकिन अर्शिया का कहना है कि पुलिस की जानिब से इन्हें कोई खातिरखा मदद नहीं मिल पाई है, जिसके चलते मुतासरा अर्शिया ने एशियन टीवी न्यूज़ के जरिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपनी आवाज़ को हायर ऑफिशियल्स और हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए इंसाफ की अपील की है। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसीलात खुद अर्शिया की जबानी। पेश रिपोर्टर सैयद फेरोज की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ये खसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शिया है, मैं आगापुरे पर रहने वाली हूँ। मैं हमारे शौहर का इंतकाल हो गया था 6 साल के बाद, मैं कदम उठी हुई 6 साल के बाद कदम उठी हुई मैं कदम उठी शादी के आज से, चलो मेरा बच्चे को एक बाप का प्यार मिलता बोल के, एक इनका फ्यूचर अच्छा होता ना बोल के मैं आगे बढ़ी। मुशाहदा लेते हैं तो मैं हाँ कर दी शादी के आज से, सबके खिलाफ जाके करके मैं शादी करी। मेरे को 3 महीने अच्छा देखे फिर मम्मी के पास ला के छोड़ दिए बगैर कुछ डिवोर्स पेपर भिजा दिए ना मेरे, और मेरे को मालूम भी नहीं, मेरे को पढ़ने लिखने नहीं आता, मैं भी घर में नहीं थी, इंग्लिश नहीं आता कुछ भी। हमारे छोटे भाई ले लिए साइन करके, उनको भी नहीं मालूम, देखे तो क्या डिवोर्स के पेपर आ निकले। तो मैं बात करी तो क्या ऐसे औरत के साथ रहने का अच्छी नहीं गए वैसा नहीं गए बोल के बोले, इनकी बीवी को सुधारने के हाथ से करेगा तेनों इस्तेमाल करे ना बीवी को सुधारने के हाथ से, और अब मेरा पूरा ख़राब कर दिए ना पूरा। बस मैं गवर्नमेंट से अप्लाई ना सबसे है कि मेरे साथ इंसाफ करो आप लोग, बस उनको ड्यूटी पे से निकाल दो आप लोग, दोबारा के साथ नहीं करना नो। इनके पर भरोसा करके करी थी ना, धोखा करे मेरे साथ, और मैं अच्छे से बात भी करी है, अभी भी सुधरने का मौका है। बोलते कहाँ जाते जाओ आप, कोई कुछ भी नहीं कर लेता, कहाँ हाफिज को जाना जा से कहाँ से कहाँ जाओ, कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता बोल के बोले नो। दादा वाले इनके 2 दामादा हैं और 2 बेटे शादी के इनके इनके बेटी में है नो, कच्चीबली में है, मैकेनिक है। बस आप लोगों से विनती है कि मेरे साथ इंसाफ करो आप लोग।